उभरते हुए अदाकार अजान नस्वत हारून ने दावा किया है मारूफ अदाकारा नाज़िर जहांगीर ने इन्हें शोबिज इंडस्ट्री में मुतारिफ कराने का झांसा देकर ना सिर्फ इनसे रकम बटोरी बल्कि इनसे गाड़ी भी ली और इन पर तशद्दुद भी करवाया। अस्वद हारून ने उर्दू पॉइंट को दिए गए इंटरव्यू में बताया, कुछ साल कबल इन्होंने पहली बार नाज़िर जहांगीर के साथ एक टेलीफिल्म की थी जिसके बाद इनके दरमियान दोस्ती हो गई थी। इन्होंने बताया इसी दौरान नाज़िर जहांगीर ने इन्हें बड़े टीवी चैनल्स और अच्छे ड्रामे के तहत शोबिज़ में मुतारिफ कराने का झांसा दिया और इनसे रकम बटोरना शुरू की। अस्वद हारून ने दावा किया कि नाज़िर जहांगीर ने पहले इनसे 15 लाख और बाद अज़ा इनसे मजीद रकम का मुतालबा किया जबकि अदाकारा इनसे महंगे तहाइफ देने की फरमाइश भी करती रहीं और इनसे महंगी चीजें दिलवाने का मुतालबा भी करती रहीं हैं। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि बाद अज़ा नाज़िर जहांगीर ने इनसे बहाने करके गाड़ी मांगी और इन्होंने अदाकारा को 55 लाख रुपए मालियत की होंडा कार दे दी जबकि इसके बाद भी वो अदाकारा को चीजें और तहाइफ दिलाते रहे। इनके मुताबिक नाज़िर जहांगीर इनसे कभी दुबई तो कभी लंदन और कभी लाहौर और कराची के एयर टिकट भी मंगवाती रही हैं और वो इन पर अंधा एतमाद करके इन्हें हर चीज देते रहे। उनका कहना था बाद अज़ा काफी से बाद जब इन्हें शोबिज में मुतारिफ ना कराया गया तो इन्होंने अदाकारा से पैसों की वापसी का मुतालबा किया जिस पर अदाकारा ने इन्हें एक फार्म हाउस में बुलाया जहां मुतादिद असलहा बरदार अफराद ने इन्हें यरगमाल बनाकर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्वद हारून के मुताबिक इन्हें इनके मैनेजर और ड्राइवर ने फार्म हाउस से बाजियाब कराया जिसके बाद इन्होंने नाज़िर जहांगीर के खिलाफ डिफेंस सी थाने में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें पैसों और गाड़ी का भी जिक्र किया गया। ख्याल रहे गुज़श्ता हफ्ते ही खबर सामने आई थी कि लाहौर की सेशन कोर्ट ने फ्रॉड के मुकदमे में अदालत में पेश ना होने पर नाज़िर जहांगीर की जमानत खारिज कर दी। अपने खिलाफ फ्रॉड के मुकदमे की खबर सामने आने और उभरते हुए अदाकार अस्वद हारून की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जाने के बावजूद तहाल अदाकारा ने कोई बयान जारी नहीं किया।